नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। दुल्लापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के पास रविवार की सुबह ट्रेन की जद में आने से कटकर 4 मवेशियों की मौत हो गई। इसकी वजह से 1 घंटा तक कृषक एक्सप्रेस खड़ी रही। जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी में लॉकडाउन की वजह से ट्रेनों का संचालन बंद था। संचालन शुरू होने के पहले दिन रविवार की सुबह करीब 10 बजे रेलवे क्रॉसिंग से पहले सुल्तानपुर गांव के पास लखनऊ से वाराणसी जाने वाली कृषक एक्सप्रेस की जद में आने से 4 गाय की मौत हो गई। गायों के इंजन में फंसने से ट्रेन खड़ी हो गई। गैंगमैन ने लोगों की मदद से गायों के मांस के लोथड़े को बाहर निकाला। ट्रेन का ब्रेक जाम हो गया था, उसे सही कर 1 घंटे बाद चालक आगे के लिए रवाना हुए। दुल्लापुर थाना क्षेत्र के ददरा गांव के पास शनिवार की करीब 10:30 बजे हमीद मार्ग पर हंसराजपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने पिता को खाना पहुंचाकर घर लौट रहे ददरा गांव निवासी चंद्रजीत यादव के पुत्र संतोष यादव उम्र 35 को टक्कर मार दिया। दुर्घटना से कार झाड़ियों को रौंदते हुए गड्ढे में चली गई। गंभीर रूप से घायल होने से युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने कार सवार 2 लोगों को पकड़ लिया, जबकि 2 भाग निकले। उनकी जमकर पिटाई की गई। मुआवजे की मांग को लेकर मार्ग को जाम कर दिया गया। उपजिलाधिकारी सूरज यादव के आश्वासन पर रात 1 बजे जाम समाप्त किया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों की तरफ से तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। आरटीआई मैदान स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गाजीपुर के जोनल ट्रेनिंग सेंटर में रविवार को वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें व्यापारियों को प्रशिक्षण देते हुए यूनियन बैंक के विशेषज्ञ ने बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित, रोजगार से संबंधित, लोन से संबंधित और कई प्रकार की बैंकिंग योजनाओं की जानकारी दी। अंत में बैंक के अधिकारियों से व्यापार मंडल के लोगों ने निवेदन किया कि इस प्रकार का सेमिनार कुछ समय के अंतराल पर लगनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक व्यापारी व नागरिक योजनाओं को समझ उसका लाभ प्राप्त कर सके। इस मौके पर मुख्य अतिथि व्यापार मंडल गाजीपुर के अध्यक्ष उम फकर खान, जिला महामंत्री श्री प्रकाश केशरी गुड्डू आदि व्यापारी तथा बैंक की तरफ से धर्मेंद्र, विनोद शर्मा, सुशांत श्रीवास्तव, सुबोध जी आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा गाजीपुर के युवा जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में करंडा और देवकली ब्लॉक के पदाधिकारियों की उपस्थिति में रविवार को चोचकपुर में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एवं संजय राउत का पुतला फूंका गया। इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से एक नारी जाति का अपमान इन लोगों ने किया है और बीएमसी की आड़ में जिस तरह से कंगना रनौत का दफ्तर, जो उनके लिए मंदिर था, उसको तोड़ा गया है, ये बहुत ही घटिया और कायराना हरकत है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। पुतला फूंकने वालों में लाल बहादुर सिंह दीपक, मनोज सिंह, प्रवीण सिंह, अमित सिंह, हैप्पी सिंह, हर्ष सिंह, इंद्रकेश सिंह, अभय सिंह, विनीत सिंह, अमित सिंह, अन्नु, युवराज सिंह आदि शामिल थे। सैदपुर कोतवाली पुलिस ने शनिवार की देर शाम करीब 7:45 बजे कस्बा में स्थित संजय वन के पास वाहन चेकिंग के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चोरी का इन्वर्टर, बैटरी, तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद किया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि हमराहियों के साथ शनिवार की देर शाम करीब 7:45 बजे संजय वन के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 तमंचा, 2 कारतूस और 400 नकदी बरामद किया गया। उन्होंने अपना नाम वार्ड नंबर 9 राजीव नगर कस्बा निवासी मोहम्मद अरमान और वार्ड नंबर 6 पक्का घाट कस्बा निवासी सतीश कश्यप बताया। पूछताछ में पता चला है कि ये चोरी की वारदात करते हैं। इनकी निशानदेही पर चोरी की 7 बैटरी बरामद की गई। सभी अभियुक्तों का चालान कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक घनानंद त्रिपाठी, उप निरीक्षक सुनील दुबे, कांस्टेबल गुलाब चंद कन्नौचिया, कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार और कांस्टेबल आशीष यादव शामिल रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।